तो रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये महाकवरेज लगातार आप देख रहे हैं। और देखिए, यूक्रेन में जहां तहां भारत के छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन उन छात्रों को निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक और खबर ये आ रही है बड़ी कि रोमानिया से भारतीय छात्रों का एक और दल रवाना हुआ है। यूक्रेन से 250 भारतीयों को लेकर ये विमान रवाना हुआ है, भारतीयों को लेकर दिल्ली आ रहा है, जिसमें 250 छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन इन मुश्किल हालातों से के बीच से उन्हें निकालकर अब उनकी रवानगी यहां से हो चुकी है जो भारत पहुंचेंगे। यूक्रेन में फंसे हुए कुछ और छात्रों को निकाला गया है वहां से, 250 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ है यूक्रेन से ये विमान और रोमानिया के रास्ते इन्हें भारत लाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार फंसे हुए छात्रों को जो वहां पर हैं उन्हें निकालने का सिलसिला भी जारी है। इससे जुड़ी हर खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस युद्ध से जुड़ा अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं, युद्धभूमि से एक बड़ी खबर। और देखिए, अभी तक का जो लाइव अपडेट है यूक्रेन हमले का, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालात पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने को कहा है। रोमानिया के रास्ते 219 छात्र सुरक्षित मुंबई पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर पहले कीव खारकीव में जबरदस्त बमबारी कर रहा है रूस, अभी भी वहां पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है, वो इस युद्ध में बने रहेंगे। कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है और अगर कोई बाहर दिखाई दिया कर्फ्यू के दौरान तो गोली मारने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा तुर्की ने ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत का रास्ता रोका है। रूस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर डाउन है। ये सोशल साइट्स रूस में क्रैश हो गई हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर। इसके अलावा रूस ने स्वीडन को नाटो से दूर रहने की धमकी दी है कि नाटो से दूर रहें। स्वीडन को ये रूस की साफ साफ धमकी और गंभीर परिणाम भुगतने के यहां पर धमकी दी गई रूस की तरफ से अगर नाटो से दूरी नहीं बनाई गई तो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।